माय चैनल जॉयस लुक बुक। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मार्स कॉस्मेटिक की ऑन ब्रांड मेकअप लुक ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। एंड आज का जो मेकअप लुक है, इसमें ना ही मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और ना ही कोई आई शेडो पैलेट, फिर भी मैं फुल मेकअप लुक आप लोगों से शेयर करूँगी एंड वो भी वाटर प्रूफ। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए मैंने कैसे विदाउट फाउंडेशन एंड विदाउट आई शेडो से मैं अपना फुल मेकअप किया है, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने ऑफ कैमरा अपनी स्किन केयर अच्छे से कर लिया। टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है, तो आप अपने चॉइस का कोई भी टोनर या फिर रोज़ वाटर आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीरम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए मार्स का ये वाली प्योर क्योर प्राइमर ले रही हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का जेल फॉर्म में आता है। आई थिंक ये वाला जो प्राइमर है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो समर के टाइम पे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा लेना है। फिलहाल मेरे पास मार्स का फाउंडेशन एंड आई शेडो पैलेट नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो प्रोडक्ट मेरे पास है उससे एक मेकअप लुक क्रिएट किया जाए। सो मैंने ये वाली मार्स का लिप लाइनर ले रही हूँ, ये ब्राउन कलर में है, और इसी से मैं अपने ब्राउज को फिल करूँगी। तो हल्का हल्का सा इस तरीके से ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। देन मैं इस तरीके का इस पूरी ब्रश की हेल्प से अच्छे से सारा कुछ ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट हम अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर। तो मेरे पास है यह वाली मार्स का कलर करेक्ट पैलेट, इसमें आपको 3-in-1 ये वर्क करता है। इसके अंदर आपको कंसीलर शेड मिल जाता है, प्लस कलर करेक्टर करने के लिए भी शेड मिल जाता है आपको येलो एंड ऑरेंज, एंड दो आपको कंटोरिंग शेड मिल जाता है। तो आप इसे 3-in-1 प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो इसको आप एज ए कंसीलर, एज ए कंटोर एंड एज ए कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्राउज को डिफाइन कर लूँगी एंड उसके सो मैं यहाँ पे ये थर्ड वाला जो शेड है इसको पिक कर रही हूँ। तो इसी के हेल्प से मैं अपने आईब्राउज को डिफाइन कर लूँगी सबसे पहले। कंसीलर है ये सारे लाइटर शेड है, ये वाला जो येलो शेड है इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी एंड उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो मैं इसे स्मॉल ब्रश कंसीलर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे हैंड से भी अप्लाई कर सकते हो, देना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। मैं पूरे फेस पर इसको अप्लाई करूँगी। आप कभी भी जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, आप इस ये जो अपर लिप्स का जो एरिया से इनको कभी भी मतलब डायरेक्टली फाउंडेशन हो कंसीलर हो ऐसे अप्लाई नहीं करना है आपको। इससे क्या होता है, समर के टाइम में वहाँ पे स्वेटिंग आने लगती है एंड वहाँ का जो मेकअप है वो बहुत जल्दी निकालने लगती है। तो जब आप ब्लेंड करोगे ब्यूटी ब्लेंडर से तो एंड में आपको उन एरियाज पे ब्लेंड करना है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्लेंडर पे रहेगा उसी से आपको ब्लेंड करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है।
बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड नेक्स्ट में सेम पैलेट में से ये वाला जो कंटूर शेड है, तो कंटूरिंग में दो शेड है, ये एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन में है एंड एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन में है। आपकी स्किन टोन अगर थोड़ा सा डस्की स्किन टोन है या फिर मीडियम स्किन टोन है तो आप ये वाला डार्क वाला कंटूरिंग अप्लाई कर सकते हो। एंड आपकी स्किन अगर थोड़ा सा मेरे जैसा मीडियम टू फेयर स्किन है तो आप ये थोड़ा सा लाइट वाला कंटूरिंग अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करूँगी। इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को ले लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर पे ही एंड देन जॉलाइन पे भी मैंने थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस यहाँ पे मेकअप को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर तो चाहिए जो मेरे पास है नहीं मार्स कॉस्मेटिक का, तो मैं यहाँ पे फेस कनाडा का ये वाली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क टोन में है एंड इसका शेड है लवोरी 01। तो यही एक चीज़ है जो मैंने दूसरे ब्रांड का अप्लाई करूँ इस मेकअप इस लुक पे, सो डोंट माइंड। तो मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट से अपने फेस को सेट कर लूँगी क्योंकि अभी समर का सीज़न है तो समर पे तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना मस्ट है, या फिर आप लूज पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाली जो कॉम्पैक्ट पाउडर इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं सारे क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया है तो इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर के टाइम में, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप के लिए मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि मेरे पास आई शेडो पैलेट नहीं है मार्स कॉस्मेटिक का, तो यहाँ पर मैं सेम मार्स का लिप लाइनर अप्लाई करूँगी एज माई ट्रांजिशन शेड। सो देखते रहो कैसे मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस शेड को आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा प्लेस करूँगी, तो इस तरीके से मैं आउटर वी पे प्लेस करूँगी जहाँ पे हमारा क्रीज लाइन है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से लाइन बनाऊँगी एंड आउटर वी पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्सो मैं इनर कॉर्नर पे भी इस तरीके से थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी, लिप के ऊपर मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, बस इनर कॉर्नर पे इस तरीके से मैं प्लेस कर रही हूँ आप देख सकते हो। एंड इसको तुरंत ही आपको ब्लेंड करना है और सबको अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे आप आई शेडो को ब्लेंड करते हो उस तरीके से सबको ब्लेंड करना है। एंड इसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं मार्स का ग्लोजिला हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ ये वाली, तो इसमें आपको 4 शेड मिल जाता है हाइलाइटर शेड एंड इसके अंदर जो है चंकी पार्टिकल्स दिया गया है। ये थोड़ा सा हैवी हाइलाइटर है, आप अगर ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या फिर हैवी कोई पार्टी मेकअप कर रहे हो तो आप इस पैलेट को ले सकते हो, बट नॉर्मल मेकअप के लिए ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं बस इसे आई शेडो के लिए यूज़ करूँगी। ये वाली जो वाइन शेड है इसको मैं अप्लाई करूँगी, तो इसको मैं फिंगर के हेल्प से इस तरीके से ले लूँगी एंड लीड पे मैं प्लेस करूँगी इस तरीके से। तो आपको मिडिल पे प्लेस करना है इस तरीके से एंड ऑल्सो मैं लोअर लाइन पे ये वाली जो रेड शेड है इसको थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट में लाइनर के लिए ये वाली मार्स का स्केच पेन लाइनर ले रही हूँ, इससे मैं थोड़ा सा विंग्स लाइनर में ड्रा करूंगी। Thank you.
मार्स मैजिक काजल। पे मस्कारा के लिए मार्स का ये वाली मस्कारा ले रही हूँ और सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाली मस्कारा मस्ट हैव मस्कारा है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। वाओ, लुक एट दिस मस्कारा, एक ही बार में आपको बहुत अच्छी वाली लुक प्रोवाइड करते हैं। और इसका एप्लीकेटर भी काफी अच्छा दिया गया है, आप देख सकते हो। एंड ब्लशर के लिए मैं ये वाली मार्स का लिप क्रेयॉन ले रही हूँ और इसका शेड है आई लव माई सेल्फ 01। इसको मैं एज अ ब्लशर में अप्लाई करूंगी। जो कंटूर स्टिक है इसके आधा साइड में एक हाइलाइटर शेड आपको मिल जाता है, तो इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ एज ए हाइलाइटर। तो मैं फिंगर के हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद बारी आती है लिप कलर। और लिप कलर के लिए मैं सेम मार्स का लिप लाइनर ले रही हूँ। तो पहले मैं एक लाइन ड्रा करूँगी, उसके बाद इसी से मैं फिल करूँगी पूरे लिप्स को। इस तरीके से पाव हेयर स्टाइल के साथ एंड इस तरीके का यानी इसके साथ इस लुक को कंप्लीट किया है और दैट इज माय फाइनल लुक गाइस। सो गाइस चलिए देख लेते हैं कि ये मेकअप सच में वाटरप्रूफ है कि नहीं। तो मैंने इस तरीके से हैंड्स पे ले लिया वाटर एंड मैं इस तरीके से इतना ज्यादा रब कर रही हूँ, बट आप देख सकते हो जब तक आप मेकअप रिमूवर से इस मेकअप को रिमूव नहीं करोगे तब तक ये मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा एंड आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए सो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार जोड़ दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। एंड आप लोगों का सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन एंड अपडेट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत लुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइज, लॉट्स ऑफ